यही एक कमर नहीं है, आज से मैं भी कमर हो। आप सब क्या है? हाँ भाजी प्रणाम रे। देखो आपकी बहुत बड़ा ली तो हर देवर घबरा जाए। जिंदगी में जानते हैं मैं आप सबके बीच में जब हम हूँ या कौन भैया हूँ, हम लोग जब आते हैं ना तो हमसे ज्यादा पावरफुल कोई होता ही नहीं, क्योंकि हमारे पीछे आप सबका ताकत होता है, आप सबका मोहब्बत होता है। और जो बातें भैया ने बोले कि किसी ने कहा था कि सेल्फी लेने के लिए लफड़े खड़े हैं, उनको पता नहीं है आने वाले क्रांति है ये। और यही लफड़े जो आपको लफड़े दिखते हैं एक दिन आपके चाचा जान कर देंगे। नौजवान अगर नहीं है तो धरती का विकास नहीं हो सकता है। खेसारी को बनाने वाले नौजवान हैं हमारे माता बहन बेटी चाचा काका पितिया जो भी है। हम अगर आए हैं आपके बीच में तो हम वोट मांगने नहीं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आप सबने हम दोनों को आशीर्वाद देकर बड़ा किया है और उसी आशीर्वाद करिए। नहीं तो इस कड़ी धूप में आप लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे मोहब्बत के साथ आप खड़े हैं, हम समझ सकते हैं कि 47 डिग्री अंग्रेजी बोल देने का 47 डिग्री देखो तो आज आप सोचिए कि पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया के नेता काराकाट में क्यों आने की जरूरत पड़ी सिर्फ एक पवन के लिए। इन्होंने कलाकार को बुलाया और मुझे नहीं लगता कि काराकाट क्षेत्र में इतने कलाकार आज तक कभी आए हैं और इतने कलाकार को आपने देखा भी नहीं होगा और इतने सारे नेताओं को भी नहीं देखा होगा कभी। लेकिन एक पवन सिंह के आने से काराकाट लग रहा है ना कि महोत्सव की तरह हो गया है, यहाँ मेला लग रहा है हर दिन। ये देन कहीं ना कहीं पवन सिंह जी का है और उससे ज्यादा देन आप सबका है कि आपने पवन सिंह को बनाया, आपने खेसारी को बनाया। तो जिंदगी में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई बेटा आपके लिए लड़ता है ना तो बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं पवन हूं, यहां आप ही एक पवन नहीं है, यही एक पवन नहीं है, आज से मैं भी पवन हूं। आप सब क्या है? बस तब आप सब चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप पूजक पवन है तो अपने को वोट मारना है, अपने कैंची छत को मारना है, खुद को जिता लेना है, हम किसी और को क्यों जिताए? अगर सब पवन है तो सब लोग अपना अपना वोट अपने लिए ही मारो, तब पता चलेगा कि हाँ ये लफुए क्या कर सकते हैं। ये अपन तरह लोग का विकास कर रहे हैं, हम सब तरीके को सिनेमा लेकर आओ तो नहीं। बसंती तो बस जिंदगी में हमारे जीवन में संगीत है और हम इनको संगीत से दूर जाने नहीं देंगे। ये आप सबका सेवा भी करेंगे और कभी कभी आप सबका मनोरंजन भी करेंगे। और जब भी कोई फंक्शन होगा, कभी किसी स्कूल का उद्घाटन होगा, किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा, तो मैं वादा करके जाता हूँ कि खेसारी लाल यादव यहाँ पर फिर भी कार्यक्रम करके जाएगा। यहाँ कोई भी फंक्शन होगा तो काराकाट के लिए खेसारी आज से फ्री, आपके मनोरंजन के लिए, आपकी खुशी के लिए और सबसे ज्यादा खुशी इस बड़े भाई की खुशी के लिए। ये आदमी सच में राजा है भाई, इतने इतने बड़े माहौल में इतने बड़े आदमी से लड़ना आपको कम समझ में आता है। अगर इस आदमी के पास ताकत आप सबका नहीं होता तो ये अकेला हो जाता है।
देखिए आप सबका ताकत जिसके पास होता है भैया उस जिंदगी का सबसे बड़ा राजा होता है। लोग वोट के लिए आते हैं लेकिन पवन सिंह वोट के लिए आपके पास नहीं आशीर्वाद के लिए आया है। खेसारी आपके आशीर्वाद के लिए आया है। तो बस आप सबसे एक ही गुजारिश है इस भाई को कम से कम 8 लाख से लीड करना है। कितने से लीड करना है? एक को वोट देने में जाया करना चाहिए। आज वही माँ इस कड़ी धूप में अपने बेटी को तपते हुए देख रही है सिर्फ आपके विकास के लिए। तो क्या उस माँ को नाराज नहीं करोगे? उस माँ के बेटे को अपने गोद में बैठाओगे? बोलो जोर से कैंची छोड़ो। जिंदाबाद पवन सिंह। जिंदाबाद। तो चलिए भैया को 4 तारीख को आप लोग संसद में भेजिए और 7 तारीख को खेसरिया कहेंगे कहेंगे तो 12 नंबर 1 तारीख को कैंची को मतलब दबाना है।